दिस इज रेडियो नशा. वेलकम. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि टुडे वी हैव मिस्टर अनूप जय इन द हाउस. आप उन्हें द लेजेंडरी अनूप जलोटा साहब के नाम से जानते हैं. आई एम लकी टू कॉल हिम द बिग जय. द बिग जय, सो ही इज टू कूल. उनके साथ ऑफकोर्स सौरभ दत्तरी साहब हमारे साथ हैं एंड दे आर कमिंग टुगेदर टुडे फॉर अ वेरी स्पेशल पर्पस. रहमतें. तो ये जो है रहमतें, इट्स द बिगेस्ट म्यूजिक कॉन्सर्ट फॉर म्यूजिशंस बाय म्यूजिशंस. सौरभ, आई'd लव फॉर यू टू टेल माई ऑडियंस फर्स्टली कि रहमतें कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ. वी स्टार्टेड रहमतें अबाउट 10 इयर्स बैक. हाँ जी. कोविड के दो साल हमने नहीं किया, बट अदरवाइज वी हैव हैड 8 इयर्स ऑफ रहमतें. दिस इज द 8th ईयर. आई वंस रेड अ इंटरव्यू ऑफ बिस्मिल्लाह खान साहब. ही गॉट भारत रत्न एंड ही सेड इन अ इंटरव्यू कि मुझे भारत रत्न मत दीजिए, मुझे 20 लाख रुपया दीजिए बिकॉज आई एम इन सच बैड टाइम्स. एंड ही हैड 14 चिल्ड्रन सपोर्टिंग देम परहैप्स वॉज. हाँ हाँ. तो उनको सपोर्ट करना जो है मुश्किल था उनके लिए. सो आई इमीजिएटली कॉल्ड अप हरिहरन. आई टोल्ड हिम यार हमको कुछ करना चाहिए खान साहब के लिए बिकॉज भारत रत्न विच इज सच अ प्रेस्टिजियस अवार्ड और वो आदमी वापस कर रहा है. यू कैन इमेजिन हिज कंडीशन. तो वी हम लोग ने क्या किया, एक शो कर दिया हमने हरी का इमीडिएटली विद इन 15 डेज. 10 लाख रुपया इकट्ठा हो गया. उनको 20 चाहिए था, हमने 10 भेज दिया और मैंने और हरी ने उनको और 5 दे दिया. तो उनका जो 20 लाख का कोटा था हमने पूरा दे दिया उनको. बस फिर वहाँ से हम अनूप जी को मिले. फिर हमने अनूप जी को आप भी जुड़ जाइए ये एक्टिविटी में. और हरी एंड अनूप जी हैव बिन, मतलब उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उनके बिना करना ये नामुमकिन है. नहीं नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है उनके बिना. क्योंकि सिर्फ गा के या वहाँ प्रेजेंट रह के ही सपोर्ट नहीं करते. ये हर एक स्टेप ऑफ द जर्नी जो है ये कॉन्सर्ट करने के लिए जितना टाइम लगता है, वक्त लगता है लोगों को, यू नो मैं उनको साथ में ले जाता हूँ कहीं भी तो दे आर सो स्वीट. दे कम एवरीवेयर विथ मी. हर जगह आते हैं मेरे साथ के चलो सौरभ चलते हैं, ये काम करना ही करना है हमको. सो दैट्स हाउ ये जर्नी हमारी शुरू हुई. और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज तक वी हैव डन काफ़ी. हमने पैसे भी, मतलब जो है पैसे से सपोर्ट किया है, ऑनर किया है म्यूजिशियंस को. सबसे बड़ी बात एक ये है कि म्यूजिशियंस जो है ना बड़े खुददार होते हैं, ये मदद लेना नहीं चाहते किसी से. उनको आप फ़ोन करके बोलो अरे हम कुछ कर सकते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं हम वी आर ओके, हमको ज़रूरत नहीं है. तो हमको पूछना पड़ता है बाहर से कि भाई हमको ऐसे म्यूजिशियंस के नाम दो. हम उनको फ़ोन करके ये कहते हैं कि हम आपको ऑनर करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ आइए, हम एक चेक देके आपको ऑनर करना चाहते हैं, फेलिसिटेट करना चाहते हैं कि आपने इतनी सर्विस दी है तो हमको भी कुछ करना चाहिए आपके लिए. हम ये करते हैं. हम ये कभी नहीं कहते कि हम सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे. उनको ज़रूरत नहीं, मतलब ये बहुत बड़े हैं, इन्होंने एक ज़िंदगी भर साधना की है तब जाके कहीं वहाँ पहुँचे. दिस इज़ टू गुड, थैंक यू फॉर दैट. क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों की बात की है कि ये जो एक कहते हैं ना, ईगो तो नहीं कहूँगी लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं एक आर्टिस्ट का, बहुत ज़रूरी होता है. खुददारी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होता है. अनूप जी, आई'd लाइक टू आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. मैं ये भी जानती हूँ कि हर म्यूजिशियन या हर कलाकार जो है वो किसी के साथ भी नहीं जुड़ते हैं. तो अब मेरे हिसाब से सौरभ जी के बारे में थोड़ी सी तारीफ आप कर दीजिए ताकि रहमतें के बारे में आप पहुँचें. रहमतें ऑफकोर्स सौरभ दफ्ती के दिमाग की उपज है. फिर हम लोग इनसे जुड़ गए और ये काम सक्सेसफुली 7 बार हो चुका है. दिस इज़ द 8th रहमतें. जैसा कि इन्होंने बताया कि मकसद यही है कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जिक्र हुआ तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है और आज तक चल रहा है. इसमें हम ऐसे कलाकारों को बुलाते हैं जिन्होंने अपना नाम किया लेकिन एक ओल्ड एज में जाके, कुछ ऐसे समय में जाके वो अपने को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं. तो रहमतें उसके लिए मदद करता है, सामने आ जाता है. और पूरी जो भाग दौड़ मेहनत ये सब है, सब सौरभ दफ्तरी ही करते हैं क्योंकि दफ्तरी है, इनके पास दफ्तर है. हम तो अकेले आदमी, हम कैसे कहेंगे दफ्तरी आदमी. तो इनके पास पूरा एक ग्रुप है, दफ्तर है, उसमें बहुत लोग काम करते हैं, सब लग जाते हैं. हमको भी बुला ले. हमको इन्होंने, हमने कहा था कि आप मुझे दफ्तर में नौकरी दे दीजिए, हम भी आ जाते हैं. क्या बात है. तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. इस काम में हम इनका साथ दे रहे हैं, सभी कलाकार साथ दे रहे हैं. तो इस बार शंकर महादेवन हैं,
शिल्पा राव हैं, हरिहरन हैं और मैं भी इसमें गाऊंगा, तो हम लोग सब मिलके, ये शिल्पा राव आ गई, आइए आइए शिल्पा। नमस्कार शिल्पा जी, वेलकम वेलकम टू रहमते, नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल। आइए ऑडियंस शायद हमारे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गायिका, बेहतरीन गायिका, बहुत ही प्यारी गायिका, तो ये गाएंगी, हाँ समझदारी से गाती बिल्कुल, ये गाएंगी, हम सब गाएंगे। अब आप बताएं, शिल्पा जी से कुछ बात की जाए। शिल्पा जी से बात की जाए, शिल्पा यू नो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कैसे म्यूजिशियंस जो होते हैं या कोई भी आर्टिस्ट होता है वो बहुत खुददार होते हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं एक साथ लेकर चलना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। इज दैट वाई टुडे आपने कहा कि यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ रहमते? टॉक टू मी अबाउट योर रहमते जर्नी शिल्पा। आई थिंक मोर देन नीड और समथिंग, आई थिंक वी आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी अनयूजुअल फेज, जो पिछले 100 सालों में एक, इसके पहले एक पैंडमिक आया था और अब जो आ रहा है, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्ट्स, एंड आर्टिस्ट डोंट नीड मच, दैट आई नो, बट यू कांट पे योर रेंट बाय सिंगिंग अ सॉन्ग टू योर लैंडलॉर्ड, यू कांट डू दैट। अनफॉर्चुनेटली वो करेंसी अभी तक लोगों को उसके मायने नहीं पता है कि इफ 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 सम, हाँ बिकॉज बिकॉज इफ 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 देयर वॉज अ रूम जहाँ पर नुसरत साहब ने गाया हुआ है या मेहदी साहब ने गाया हुआ है, दे चेंज योर लाइफ एंड गो, उस पे तो कुछ आप कोई नंबर नहीं लगा सकते आप, अनमोल है, बट यू नीड द मनी टू सर्वाइव, एंड अनफॉर्चुनेटली देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कांट, एंड एज अब हम लोग वी आर नॉट बैंकर्स, वी आर नॉट यू नो मेडिकल प्रोफेशनल्स की जाकर के हम काम करें, बट एज म्यूजिशियंस दिस इज वॉट वी कैन डू, दैट्स आवर रोल इन सोसाइटी, सो या वी आर हियर टू सिंग, एंड अगर इससे किसी को खुशी मिलती है, किसी को एक रेंट का चेक मिल रहा है या एनी थिंग, वी विल बी द मोस्ट हैप्पी एक्चुअली, दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दिस, दैट्स ब्यूटिफुल। अनूप जी, आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज रेडियो नशा पर, जैसे कि आप हमेशा करते हैं हमारे लिए, थोड़े से इनके साथ, इट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, गाना तो कमाल का होता है बट देयर इज ऑल्सो स्टैंड अप कॉमेडी जो बीच बीच में होती है, तो आज मैं सबसे पहले गाने की दरख्वास्त करूंगी, कॉमेडी तो आप करते ही रहते हैं, इज टू गुड यार। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता, एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। हिंदी वर्जी का लिखा हुआ है और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध है और मैंने यूं ही गाया है। यूं ही आराम से, बड़े आराम से। पिछली बार जब इन्होंने, हमने खजाना के लिए एक छोटा सा शोकेस कर्टन रेजर किया था, हमने सुबह के टाइम पर बजाया था, हमें नॉर्मली लोग कहते हैं गज़लों को शाम को सुनना चाहिए, बट फॉर सम रीज़न मैंने कहा चलो यार, ये अपनी ऑडियंस जो है 7 से 9 के बीच में भी सुनने वाली ऑडियंस है, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, पीपल मैसेज मी सेइंग दैट आई कुडंट बिलीव कि मैं इनकी आवाज़ सुबह को 7:30 बजे सुन रही थी, मेरा पूरा दिन कैसे, सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही कुछ होने वाला है रहमते के साथ भी।
दफ्तरी साहब आपके जो टैलेंट्स हैं मेरी ऑडियंस से थोड़े से आप परे रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए. तो आप शुरू कीजिए. आप कौन सा गाना गाएंगे आज हमारे लिए? नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना चलेगा सर प्लीज. सौरभ दफ्तरी ऑफ कोर्स द मैन इन द वॉइस बिहाइंड द फोर्स बिहाइंड रहमत है. मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. मैं आशिक तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको आशिकी आ गई. प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर. प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर. मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह. मैं दुश्मन तो नहीं मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई. मैं शायर तो नहीं. तो वही बात हो गई ना, शुरुआत में कह रहे थे मैं सिंगर तो नहीं. नाइस नाइस नाइस. शौक के लिए गाते हैं या फिर प्रोफेशनली भी गाते हैं? शौक के लिए. ओके, खुद के लिए गाते हैं? अच्छा. There is such, I am so jealous of him. I don't like him for one thing. He spent, I think, the most beautiful years of his life with Mehdi Saab. So ye hamara to matlab ye, like I went to his house and wahan par ek chair hai and he said ki Mehdi Saab yahan baith ke chai peete the aur main uski photo le rahi hu wahan par baith kar. I was like he was right there and yeah, he zindagi mein jo do teen log hote hain na jo mere idol ko itna pasand karte hain, wo she is one of them. Truly, I have not met a bigger fan in the current generation than Shilpa Rao. Appreciate him. You have to have a certain caliber. Absolutely. You kehte hain na ki not everybody can. Yes, absolutely, absolutely. I think hum log bahut sare log hum log jo ga bhi rahe hain na, I think un वो यहाँ है भी नहीं. थैंक्स टू द गुड समैरिटन्स हु हैव रिकॉर्डेड हिज यू नो महफिलें और यूट्यूब पे इतने सारे उनके वीडियोस हैं. एंड वो जब बात करते हैं ना, हम उनसे सीख रहे हैं अभी भी. लाइक यू विल बी अमेज कि व्हाट आई मीन ही वाज अ बिग व्हाट यू कॉल इट यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक. आई थिंक ही इज द होल स्काई ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक. आई थिंक the whole sky, because wherever you are you have the sky on top of your head and he's always there. He has so much knowledge and I think hum log sabhi unse sun sun kar ke seekh rahe. Everyone spoken everywhere is something everywhere. To learn. Yes, so yeah, he's our god. Ha bhuli jo are abhi bhag kar to wo tha na wo zamana tha. तो वो न वो जमाना था, दहती आग थी तन्हाई थी फसाना था. क्या बात, क्या बात. तो वो था न वो जमाना था, दहती आग थी तन्हाई थी फसाना. क्या बात, क्या बात.
अगर वहां पहुंच गए ना वापस नहीं आ पाएंगे शाम तक. ये माहौल ऐसा बन जाता है कि वो माहौल से बाहर नहीं निकल पाओगे. सही बात. तब सब क्या हम नीचे बैठ जाएंगे सारे लोग यहां पे शुरू हो जाएगा. अरे तो महफिल सर, तो ये तो आपके घर में ही हमको करना पड़ेगा. हम आ रहे हैं. After party tonight at Mr. Daftar is Daftar tonight. Yes. Shilpa, how do you choose the music, you know, for a show like this? Like as an artist, as someone putting together this show, as coming together, you know, Hari Sahab hai, aap hai, Anup ji hai, how do Shankar Sahab hai? How are you going to put together the music list? Mujhe batao. Give me an insight into that. All the songs that I am not afraid to sing because all my gurus are here. Wow! Hari ji is there. There's Shankar sir, Anup ji, Kyoki. All of them, I've been listening to them since. I mean, my parents have been listening. Yeah. Anup ji ki sabse badi problem yehi hai na, kyunki hum sab aake bolte hain sir, mere bhai ke second birthday ke liye aapne gaane gaye the. No. Toh bhaag yahan se. So looking up to them, to stand next to them and sing, that's a huge responsibility. But yeah, anything that I'm fearless to sing, I'll sing that day. रहमते में शिल्पा राव क्या पेश करने वाली हैं? Definitely, I mean, क्योंकि हम musicians के लिए गा रहे हैं, I mean, खुदा जाने is one song which has been a favorite of everyone. Mm-hmm. So that's going to be there. We have Bulya. Mm-hmm. We have Kalank. Yeah, they're all big fans of Kalank because I'm a big fan of Kalank. I think what happened in the mehfil, bed, because ab wo mehfilized ho gaya. Kalank has been mehfilized. Kalank ka jo soundtrack hai didn't get the due that it deserved to, you know. And it's this as a song also, it didn't get the due it deserved. No, I think. I feel ki ye jo ab iski ek zindagi hone wali hai, is gaane ki wo alag hi hone wali hai. It's gonna last forever. Yeah. Sorry, I think Preetam and Amitabh have that quality to make, you know, like classics. Right. And that's what they do. That delivery. Yeah. And you add a Shilpa Rao in that mix. So, matlab. Unke orbit mein thoda sa. You know, Shilpa, I can't help but talk about this. Because if we talk about Khuda Jaane ki baat kare, then you know, you sang that song with one of our most loved voices, who we unfortunately have lost, and that is the wonderful KK. I cannot go ahead without asking you, KK ki kya jagah thi tumhari zindagi mein, wo gana kitna khas tha tum dono ke liye? Wo gana to I think lots of firsts, kyunki aap hum sab jab Bombay aaye the to hum log we came here to do good music more than anything else. I didn't know us time pe to Instagram Facebook kuch tha nahi, so we didn't have any. The only thing that we knew was we came to do good music, and which is the same for all of us right now. Yeah. Abhi bhi. To wo gana mere liye bahut sare first the. My first song with KK, my first song with Vishal Shekhar, my first song with Yash Raj, my first nomination, my first award, my first foreign trip, my first tour in outside of India. Everything, because I used to open for KK, which was such an honor on its own. And I used to sit backstage and look at him ki wo stage ko kaise sambhalte hain, audience ke saath kaise you interact. So it was a very big learning process for me. And he was the nicest human being. Like, hum log ja rahe the for the tour, wo kehte hain na, Shilpa, this jacket you're wearing na, ye wahan thand zyada rahegi, so please pack nicely, yeah, kyunki aap nahi gaye ho kabhi, to first time. Who thinks of these things, yeah? Sub-advisors. But wo concern se aaya tha. Who does this? So KK was that person. Ki wo aas-paas hai na, wo khayal rakhte the. And I think that is what we miss most about him. That he was such a good human being. Bahut achhe the wo. And artists never die. Absolutely. His voice is with us and it will always be. So we have not accepted that he's not. He's right here with us. Every time you listen to his music, he's with you. Yeah, he's with you. Oof, absolutely. Would you want to sing a little bit of Khuda Jaane for us today? Perhaps for the 100th time. Because Shilpa, jabhi bhi yahan pe aayi hai, humne unko kaha hai, please, do line ga dijiye, please. Sajde mein yun hi jhukta hoon, tum pe hi aake rukta hoon. Kya ye sabko hota hai? हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से,
बन गए हो तुम मेरी दुआ, खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। Thank you. It's not easy to sing a song, you know, after it's got a different meaning right now. So thank you. अभी तो उसके मायने ही, इस गाने का मायने बदल गए हैं, सारे गानों के मायने बदल गए हैं. जब जिंदगी बदलती है तो गानों के मायने बदल जाते हैं. एंड आई थिंक द सेम सॉन्ग मीन्स सो मेनी डिफरेंट थिंग्स टू अस. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. क्या क्या करवाऊँ मैं आपसे अभी, क्या करवाऊँ मैं? अनूप जी, अनूप जे इन द हाउस गाइस, आई टेल यू समथिंग. चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए, पतझर जो बाग उजाड़े वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए, न जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा हैं, न पीते तो मर जाते, दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, तो उसे कौन. मैंने कहा मर जाएंगे ऐसा ना. नो, इट्स अमेजिंग हाउ इतने बड़े लेजेंड हैं लेकिन इतने कूल है यार आप, ये कैसे हो गया? अनुप जी स्कूल है, ही वांट टू ग्रो अप एंड बिकम लाइक अनुप जी. या कूल, कूल कहता कोई, हॉट कहता. आई वुड लव फॉर यू टू टेल द ऑडियंस व्हाई दे शुड कम टू रहमत, ये अमेजिंग होगा. आई थिंक फॉर एवरी म्यूजिक लवर it should be very important to support the fraternity. Not everybody is fortunate to be very successful. Bahut log hai jo bahut talented hai lekin unko success nahi mili, for reasons god alone knows what, but that doesn't make them lesser than successful people. So fundamentally sorry, we need to support those people first, those musicians, those writers, wo composers, sabhi technicians, sabhi. And secondly, of course, there's going to be fantastic music. There are incredible singers of every generation, I would say. Yeah, actually. I have covered maybe last 50 years of music. Yes. It's all packed in one show. 50 saal ke sabse hit gaane, 50 saal ke sabse successful singers, or in every genre. Matlab, you're not missing out on anything. You might have a Hariharan may sing something in Tamil also. Yeah. Shankarji may sing something that's, you know, not done before. Shilpa could be doing something that she loves to do. Anup ji to वैसे भी पता नहीं क्या करूँगा मैं. आप जो करेंगे कमाल करेंगे. जो हाँ करेंगे तो कमाल ही करेंगे. कमाल ही करेंगे. So I think ये इतना कमाल combination है कि you are doing charity for musicians, which you love, and you are also doing it to give yourself some immense pleasure. मतलब आपको ऐसा सुनने कहाँ मिलता है, ऐसे चार दिग्गज लोग एक साथ में. No, I can't wait for this lineup. It's Anoop Jay in the house with Shilpa Rao. actually, one thing I have to say about Saurabh ji ki in sab logo ke saath mujhe khada karke meri izzat badha di unhone actually. Kyunki guru ke saath mujhe bhi khada karke, like I mean you have given me such a it's
क्या बोलते ना आपने यू आर पुलिंग मी अप सो आई थिंक होता ये है कि जो आर्टिस्ट जो है ना एक स्ट्रेचर पे पहुंच जाता है कभी उसको खुद को पता नहीं होता कि मेरा स्ट्रेचर क्या है. तुम्हारे साथ ये है, तू वहां पहुंच गई हो जहां यू आर स्टैंडिंग विद एवरीबॉडी ऑन द सेम पेज. No, no, and I'm glad. And I'm glad. Yes. Everybody. No, it's very. I love the poster. I mean, once again, jitni bhi audience mein sun rahi hai Radio Nasha, but dekh rahi hai hamare is YouTube channel par 25th of August at this is at 6:30 p.m. onwards at the Shanmukhananda Hall, which I think anyway is the mecca of music. You know, it doesn't sound like it anywhere else. You know, Shanmukhananda ke liye jo pyar hai mera, wo matlab beshumar hai. Main uske saamne. I have to tell you one more thing. So jitne line bahar lagayi hai na maine. Ji haan. Andar ghusne ke liye. First time I'm going to be on stage, thanks to Oh my god! This is a first! I can't believe it! My first ever stepping on stage to sing there. I can't believe it. This is going to be like, wow. That's very special for that's me. That's very special. Because I've been going there since the Barsi. Barsi, day. Yaar, hum to Barsi jaate hain. So 3rd February, bilkul. Kitni line humne lagayi hai, ki ticket mil jaye andar. Bas house full hone se pehle, kahin bhi bitha do. Like, स्टेज के नीचे बिठा दो, सीढ़ी पे बिठा दो, कहीं भी बिठा दो, बट या आई रिमेम्बर. सो फ्रॉम देयर टू द स्टेज, टू द स्टेज, दिस इज रियली स्पेशल बिकॉज़ ऑफ सौरभ जी. दिस इज रियली स्पेशल, बहुत अच्छी बात. सो इट मींस अ लॉट, इट मींस अ लॉट. फॉर राइट नाउ ऑफ कोर्स याद रखिएगा, ऑन द 25th ऑफ ऑगस्ट वी आर गोइंग टू गैदर एट द शनमुखानंदा हॉल, 6:30 p.m. onwards, Rehmate, the 8th edition, and of course, Radio Nasha is a radio partner, very proudly so. We're happy to be part of your wonderful, you wonderful so show. So, our audience will be there. Don't forget to get your tickets. They're online already. And you must contribute and be part of this wonderful show. So, thank you so much, Mere Show Parani. Thank you for calling us. Thank you. Radio Nasha!